हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में मैंने एक बहुत बड़ी साइट का रिव्यू दिया था जिसका नाम था गेट अ कॉपी राइटर। तो आपसे प्रॉमिस किया था उसके आपको डिटेल से आपको पूरे के पूरे इंग्लिश MCQs के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तक डाटा कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको 2 या 3 दिनों तक उसके मुकम्मल के मुकम्मल जो MCQs हैं उनको प्रॉपर तरीके से कंपाइल करके उनको एक ही वीडियो में उनके सारे के सारे MCQs के आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि उस वीडियो को वॉच करने के बाद आप प्रॉपरली बड़ी ही आसानी के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम है। तो इससे पहले एक और जो वेबसाइट थी इसका रिव्यू पहले दिया जा चुका है। इस वेबसाइट का नाम है कंपोजली। तो इसमें रिव्यू तो आपको दिया जा चुका है, इस पर साइन अप प्रोसेस प्रीवियस किसी वीडियो में आपको डिटेल से समझाया गया है। आज में इसमें टेस्ट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो टेस्ट है उसके MCQs आपको आज प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को थॉरली वॉच करें और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबका फ़ायदा हो। ओके, तो चलते हैं इसके टेस्ट के जो MCQs हैं उनकी तरफ। इसमें साइन अप प्रोसेस बहुत ईजी है। तो इसमें जब आप साइन अप के लिए एक फॉर्म फिल करोगे, उसके लिए आपके सामने दो किस्म का टेस्ट होगा। आज जो पहला टेस्ट है उसके तमाम के तमाम MCQs आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड कर देते हैं। ओके जी, तो देखिए कंपोजली पे राइटर असेसमेंट फर्स्ट जो पार्ट है उसमें ग्रामर होगी, बेसिक वोकैबुलरी और कंप्रीहेंशन स्किल होगा। इसमें आपने इसको अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्लियर कर जाते हो तो आप दूसरे स्टेप पे आ जाते हो। दूसरे स्टेप में जाने से पहले आपको ये टेस्ट पास करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो चलते हैं हम इसके आंसर्स की तरफ। इसी तरह का ये फॉर्मेट होगा, इसी तरह उसका इंटरफेस होगा, सेम टू सेम। तो आपने उसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इफ़ योर पार्किंग परमिट इज डैमेज्ड, ब्रिंग इट टू द एंट्रेंस स्टेशन फॉर अ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग, रिप्लेस, रिप्लेसेस। Four options have been given here. First one is the most accurate choice. Okay, first one is the correct option. So replacement would be the best option here. Now come to second one. Choose the most appropriate answer. Our cement pillars are more rigid than the previous ones. Last one is the most accurate choice. Okay, just have a look once again. Our cement pillars are more rigid than the previous ones. Okay, now come to the third one. Choose the most appropriate answer. Mendelism is the mathematical foundation of the science of genetics laid down by Mendel and Augustinian prelate. Isme first option aayega, A option, laid. Okay, that's quite easy. Achhe se isko dekh le aap. Now come to the next one. Choose the most appropriate answer. Tiffany, turn on the light please. I can't see very well. This is imperative sentence. इसमें जो इसको जो जिसको मुखातब किया गया उसको आपने कॉमा से सेपरेट किया है। The turn on the light please. This is an imperative sentence. This one would be the best option. Okay. Now come to the next one. Choose the most appropriate answer. Jennifer's responsibilities are teaching, writing and disciplining students. Okay, इसमें क्या आएगा? Are teaching, writing and disciplining. This one is the most accurate choice. Okay. Now move to the next one. Choose the most appropriate answer. As a manager, you may want to focus on delegation of tasks. It can help other employees learn new skills. ओके, तो ये एम डैश है यहाँ पे। तो इसमें जो ब्लैंक है वो ये है, यहाँ पे आपने इसको डेलीगेशन सी ऑप्शन आएगा। ओके, दिस वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ब्रायन थिंक्स दैट इंस्टॉलिंग अ यूज्ड टेलीविजन वुड बी मोर इकोनॉमिकल देन रिपेयरिंग द ओल्ड वन। इकोनॉमिकल, ओके, ये आएगा लास्ट ऑप्शन। Okay, now come to the next one. Because of our partnership with the Crazy Cat Club, we can provide all residents with a free membership of the
रिक्रिएशनल हब, इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा बिकॉज ऑफ, दिस वन वुड बी द एप्रोप्रिएट चॉइस बिकॉज ऑफ। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। द न्यू लाइन ऑफ अप्लायंसेज फ्रॉम रूजवेल्ट डॉग ग्रूमिंग सप्लाइज received a lot of complaints due to its low quality control standards. Option A would be the most suitable choice here. Standards, okay. Move to the next one. The office will replace its flooring and wallpaper later this week. It's, okay. The pronoun कौन सा आएगा इस पे, इट्स आएगा इस पे। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं, और दिस वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस, इट्स। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, चूज अंडरलाइंड वर्ड दैट इज आर इनकरेक्ट। ओके इसमें एक सेंटेंस है, इसमें जो जिसमें जो मिस्टेक होगी उसको आपने जो अंडरलाइंड वर्ड्स में से जो रॉन्ग होगा उसको आपने यहाँ पे बताना। Okay, we have got four options, book, the, was, and for. This sentence pe aapne dekhna kaun sa wrong hai. You will highlight the portion of sentences which sentence which is incorrect from these four given options. The most important part for the book was the beginning. Yahan pe kya hona chahiye tha, off aana chahiye tha. So this one is a wrong option here. तो इसमें करेक्ट कौन सा आएगा, ऑफ आएगा। तो फॉर को आप बताओगे ये वाला, ये गलत है, फॉर की जगह पे क्या ना ऑफ आना है। चूज अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्ड्स दैट इज इनकरेक्ट। व्हेन हर ब्रेक टाइम थेरेसा विल स्पेंड 30 मिनट्स रीडिंग, इसमें क्या आएगा, व्हेन नहीं आना अपने, वन यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे सिंस आना चाहिए था। तो ये जो यहाँ पे एडवर्ब की मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग है। आपने यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको बताना होगा, उसको आपने हाईलाइट करना है। चूज अंडरलाइंड वर्ड और वर्ड्स दैट आर दैट इज इनकरेक्ट। ट्रेलर डज नॉट टेक क्रिटिकल ऑफ हर रूटीन वेरी वेल। टेक क्रिटिकल, क्रिटिकल की जगह पे क्रिटिसिज्म आना चाहिए था। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्रिटिकल। ओके दिस वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके क्रिटिकल। सो डी ऑप्शन वुड बी द मोस्ट सुटेबल चॉइस, दिस वन इज एन इनकरेक्ट वर्ड, क्रिटिकल। ओके लेट मी चेक द नेक्स्ट वन, चूज अंडरलाइंड वर्ड दैट इज इनकरेक्ट। खेले एंड खेटाए गिव गिफ्ट्स टू अदर समटाइम्स। ओके यहाँ पे अदर मिस्टेक है, इसकी जगह पे ईच अदर आना चाहिए था। So the incorrect option is other. That would be the best choice here. Okay. Okay. Now move to the next one. Choose underlined word that is incorrect again. Ashley is calling a old friend for advice. Here, article A is incorrect here. यहाँ पे क्या आना चाहिए था? An आना चाहिए था. तो यहाँ पे mistake कौन सी है? First option. Choose underlined word that is incorrect. The teacher checked she's homework quickly. यहाँ पे pronoun की mistake है, उस पे possessive case आनी चाहिए थी। The teacher checked her homework quickly. So this part of the sentence is incorrect. She is, इसकी ये वाला यहाँ पे incorrect है। Now come to the next question. Fill in the blanks. Passage A. यहाँ में मैंने ब्लैंक ऑप्शंस को ऑलरेडी फिल कर दिया आपके लिए। ओके यहाँ पे देख लीजिएगा आप। अ कैप्टिवेटिंग एरिया ऑफ ट्रेडिशनल डिलाइट्स अवेट्स फैमिलीज एज दे डिस्कवर द नॉस्टैल्जिया ऑफ द बिट ऑटम फेस्टिवल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट्स इन चाइनीज कल्चर। दिस फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन दैट एम्फसाइजेस द रीयूनियन एंड रीबर्थ ऑफ फैमिलियल bonds through traditions like eating moon cakes under the illuminating moon. Families celebrate by hanging lanterns, eating delicious moon cakes, and attending reunions with a gourmet feast. Okay, isme ek abhi rehta hai. Ranjan Taipei presents
a selection of culinary delicacies on our online shopping platform. Take Regent House. This celebration includes influences from four cultures: Taiwanese, Cantonese, Shanghainese, and Japanese, each consisting of 12 dishes perfect for family gatherings. These include three creative moon cakes: lava moon, twin moon, and trier moon. Okay, अच्छे से देख लें. It seems somewhat complicated, but it has been filled up for you, so it would be quite easy for you to get through this test. Okay, इसको अच्छे से मैंने fill कर दिया आपके लिए already. तो fill in the blanks passage भी है, इस पे दो paragraph होंगे. दूसरा भी आपके लिए इसको fill up कर दिया गया है. Democrat Terry Mac Olive and Republican Glenn Youngkin clashed over abortion and vaccination policies on Thursday. क्या आएगा इसमें? On preposition आएगी. On Thursday, in Virginia's first gubernatorial debate of the general election season, the candidates met at the Appalachian School of Law, Grunte, a small town in southwest Virginia, where the debate got off. इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? Got off. To a relatively heated start, with crosstalk and occasional snide remarks. The first question of the night dealt with the COVID-19 pandemic, which has left more than 12,000 Virginians dead and tens of thousands of more hospitalized. The candidates' answers highlighted the already clear differences in how they would manage immunizations. Okay, इसमें भी इस पैराग्राफ को भी अच्छे से देख लीजिएगा. ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो बेस्ट चॉइस है आपके लिए फिल अप कर दिया गया है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. इसको अच्छे से देख ले, आप नोट डाउन कर लीजिएगा. पूरी तैयारी के बाद फिर टेस्ट देना शुरू करें. आपको हर दफा यही टेस्ट आएगा, इसमें परेशान नहीं होना. ओके, नेक्स्ट है जी. इसमें ऑप्शन आपने चेक आपने पैराग्राफ को रीड आउट करना प्रॉपरली. रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन. आप अच्छे से पैराग्राफ को रीड आउट कर लोगे, फिर इसमें जो बेस्ट चॉइस होगा ऑप्शंस में से उसको आप टिक करना, उसको आपने मार्क करना है. आप अच्छे से बाद में खुद पैराग्राफ को रीड आउट कर लीजिएगा. मैं तेजी से आपके लिए एक दफा रीड आउट कर देता हूँ. ब्लू बेरी हार्वेस्ट 2021. कॉट ऑफ समर टाइम ब्लूज. ब्लू बेरी सीजन 2021 कंटिन्यूज विद ह्यूज प्लेंटिफुल फ्रूट. डॉट मिस द बेस्ट ऑफ द सीजन्स क्रॉप. जॉइन अस फॉर लाइव एंटरटेनमेंट व्हाइल यू पिक ऑन Tuesday and Thursday evenings throughout the blueberry harvest season. Events include bands, magicians, community meals, and pie eating contests. After dark on Fridays, come and enjoy the fireworks display. Picking begins at 5 p.m. Every evening, entertainment begins at around 6:30 p.m. and ends at about 8:15 p.m. The start of events is subject to weather and field conditions. If in doubt, call 802-555-3387 for an update before leaving home. Hours: Tuesday and Thursday 5 p.m. until dark, Wednesday 10 a.m. until dark, Saturdays and Sundays 9 a.m. up till 4 p.m., Mondays and Fridays closed. When you say live entertainment while picking blueberries, here we have got four options. तो जैसा कि आपने पैराग्राफ में पढ़ा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? This one is the best choice on Tuesdays and Thursdays. Okay, read the passage carefully and select the correct answer to each question. Okay, इसमें भी आप पैराग्राफ तो सेम ही है, आप एक दफा आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, तो हर दफा आपने उसको राइट चॉइस को आपने सेलेक्ट करना है. तो इसमें व्हाट डज द एडवर्टाइजमेंट इम्प्लाई, इसमें फोर ऑप्शंस हैं. ब्लूबेरीज आर द कम्युनिटीज फेवरेट फ्रूट. द एरिया एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ बैड वेदर. द इवेंट लास्ट मल्टीपल वीक्स. दिस वन इज द बेस्ट चॉइस. ओके ओके, अब यहाँ पे पैराग्राफ चूंकि चेंज हो गया, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा. रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन. एक्स्ट्रावेगेंट
इन्वेंटिव, इमोशनली स्वीपिंग. कॉर्लीस मेडोलिन इज द स्टोरी ऑफ अ टाइमलेस प्लेस दैट वन डे वेक्स अप टू फाइंड इटसेल्फ इन द जॉस ऑफ हिस्ट्री. द प्लेस इज द ग्रीक आइलैंड ऑफ खिफलोनिया where the gods dabble in affairs of men and the local saint periodically rises from his sarcophagus to cure the mad. Then the tide of World War II rolls onto the island's shores in the form of conquering Italian army. Caught in the occupation are Pelagia, a willful, beautiful young woman, and the two suitors vying for her love. Mandra, a gentle fisherman turned ruthless gorilla, and the charming mandolin playing Captain Corelli, a reluctant officer of the Italian garrison on the island. Rich with loyalties and the betrayals, the set against a landscape where the factual blends seamlessly with the fantastic. Corelli's Mandolin is a passionate novel, as rich in ideas as it is genuinely moving. What best describes Pelagia? Here we have got four options. A thought after woman, okay? जैसे कि आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा. Read out the paragraph, read the passage carefully and select the correct answer to each question. तो इसको हम चूंकि पहले पढ़ चुके हैं, same paragraph है. इसमें आप ऑप्शंस देख लें. विच स्टेटमेंट अफर्म्स द डिस्क्रिप्शन लैंडस्केप वेयर द फैक्चुअल ब्लेंड्स सीमलेसली विद द फैंटास्टिक. इसमें चार ऑप्शन है. इमोशनली स्वीपिंग, वेक्स अप टू फाइंड इटसेल्फ इन द जॉस ऑफ हिस्ट्री, योर गॉड्स डैबल इन द अफेयर्स ऑफ मैन, दैट वन वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस. ओके, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन. इसमें भी आप देख लें, आप अच्छी तरह देख लीजिएगा. इस पे गेट ऑफ द 1-80 फ्री वे एट एग्जिट 8P, फॉलो यूनिवर्सिटी बी बिलीव्ड फॉर अबाउट अ माइल. वंस यू क्रॉस स्मोकीव टेक द नेक्स्ट राइट टू बेथनी स्ट्रीट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन टर्न राइट ऑन टू द कॉलेज ड्राइव. रस हाउस इज सेकेंड ऑन द लेफ्ट. It's number 68 and it's white and red brick. This pe what is Russ address? Uska apne ye batana 68 College Drive. Ye upar aap pad chuke ho. Theek hai ji. Again, say we have got again the same passage. To isme option dekh le. When do you turn right on Bethany Street? Isme after crossing Smokies Ave. Okay, isko ye option D aayega. Read the passage carefully and select the correct answer to each question. आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा. तो the main focus of the speech will be, बड़ा आसान सा इसमें एक, आप इसमें चार ऑप्शन है. तो इसमें business lunch के लिए लिखा गया है, तो इसमें ये ऑप्शन आ गया, accomplishments of the performance team. इस पर focus रहेगा. ओके, इसे invitation में, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, देख लें. रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन. इसमें भी आप देख लें, तो हु विल गिव द स्पीच? मार्गरेट जॉन्स. ओके, इसमें जो इनविटेशन में देख लें, तो जो स्पीच किसकी होगी? मार्गरेट जॉन्स की. अच्छे से आप इसको देख लें. चूज द मोस्ट इन अप्रोप्रिएट आंसर. द एप्लीकेंट्स फॉर दिस पोजिशन मस्ट हैव एट लीस्ट वन ईयर ऑफ सिसलिकल एक्सपीरियंस. इसमें इन अप्रोप्रिएट आंसर देना आपने. ओके, चूज द मोस्ट इन अप्रोप्रिएट आंसर. इसमें भी इंस्पायर्ड आएगा. वी इंस्पायर्ड द फाउंडर स्पीच एट मंडेज बिजनेस ब्रेकफास्ट, बट इट वॉन्ट बी ब्रॉडकास्ट पब्लिकली अंटिल नेक्स्ट वीक. इसमें रिकॉर्डेड आ सकता है, टेप्ड या हर्ड, ये तीनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं. दिस वन वुड बी मोस्ट इन अप्रोप्रिएट. Choose the most inappropriate answer. Because Roger needed to go to the bank next Monday, he asked his colleagues if any of them could punch in for him that morning. Baki tino options isme aa sakte hain, to ye wala nahi aa sakta.
इसमें खबर फॉर हिम भी ठीक है, वर्क ये भी आ सकता है, चेक हिज ईमेल्स ये भी आ सकता है, दिस वन वुड बी मोस्ट इनअप्रोप्रिएट। ओके, चूज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट आंसर अगेन। इसमें तीनों ऑप्शन आ सकते हैं। परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एक्सेप्टिंग अ न्यू पोजीशन इज नेगोशिएटिंग फॉर अ फेयर सैलरी, अनडिनाइबली ये भी इस पे आ जाएगा, और नेवर्थलेस ये भी, दिस वन वुड बी द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, ये इसमें नहीं आ सकता। ओके जी, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आपका पार्ट फर्स्ट, तो इनको अच्छे तरह देख लें, नोट डाउन कर लें, टेस्ट दें, आप 100% एक्यूरेसी टेस्ट क्लियर कर लोगे। जब ये टेस्ट पास करते हैं तो नेक्स्ट आपका आएगा सेकेंड पार्ट, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो में मैं तमाम के तमाम आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट।